आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद, आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बजट सत्र का समापन, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के केवल 1033 आए मामले सामने, जो कि कल की तुलना में 53 कम। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। उन्होंने लिखा, सभी को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण का आशीर्वाद मिले। लंबी बीमारी के बाद हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय गीतकार माया गोविंद का 82 साल की उम्र में निधन। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी का रिलीज हुआ नया ट्रेलर। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखेगा वांडा का नया रूप। यूपी सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का लैंड लीज एग्रीमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। गोरखनाथ मंदिर में हमला मामले पर डिप्टी सीएम केशव बोले, वह गंभीर घटना है। जांच में जुटी पुलिस का मनोबल तोड़ने और ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास अखिलेश यादव द्वारा किया गया। उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बरेली में सपा विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर। पेट्रोल पंप कथित तौर पर अवैध तरीके से बिना नक्शा पास किए बनाया गया था। आपका मिशन हरियाणा, कांग्रेस के पूर्व नेता निर्मल सिंह बेटी चित्रा के साथ हुए आप में शामिल, केजरीवाल रहे मौजूद। मारुति न्यू लॉन्च, जल्द आ रही है मारुति की नई कारें। 3 लाख रुपए से शुरू होगी कीमत, 32 किलोमीटर तक का मिलेगा माइलेज। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। पेट्रोल डीजल पर राहत की उम्मीद, सरकार ने बनाई बड़ी योजना। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। मामूली गिरावट के साथ सोने की कीमत 51,586 रुपए पर आ गई, जबकि चांदी के दाम में 0.05% की कमी आई है। यूक्रेनी सैनिक भी बेरहमी पर उतरे, तड़पते रूसी सैनिकों को मारी ताबड़तोड़ गोलियां। KGF चैप्टर 2, यश के साथ नजर आएंगे प्रभास। KGF चैप्टर 2 में दिखेगा सालार का पहला लुक। कच्चा बादाम गाना खूब हो रहा वायरल, सूत्रों से कच्चा बादाम सिंगर भुवन ने कहा, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। गुरुवार के दिन भी शेयर बाजार में सुस्ती जारी, सेंसेक्स 575 अंक टूटकर बंद, निफ्टी 17,700 के नीचे। बिजनौर जनपद में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, राशन डीलर की हत्या के आरोपी के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। बिजनौर में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बोले, भाजपा का मुकाबला सिर्फ पूरे प्रदेश में सपा ही कर रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, आपदा प्रबंधन में भारत विश्व के कई देशों के बराबर, कई मामलों में उनसे भी आगे। भारत पाकिस्तान सीरीज पर फैसला होगा जल्द, दुबई में होगी पीसीबी और बीसीसीआई अधिकारियों की बैठक। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन।